हमारे सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन हिंदी चैनल को और साथ में घंटे के बटन को दबाना ना। दोस्तों जैसे कि नए अवतार में आ रही है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, प्रीमियम होगा इसका इंटीरियर, जानते हैं फीचर्स और कीमत के बारे में। दोस्तों देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी एसयूवी के लिए जानी जाती है। अब महिंद्रा अपनी दमदार एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो को नए अवतार में लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2020 में पेश किया जाएगा और ये महिंद्रा स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल होगा जो कि पहले के मुकाबले मॉडल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। जैसे कि दोस्तों नई स्कॉर्पियो को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और तस्वीरों में पता चलता है कि नया मॉडल पहले के मुकाबले काफी अलग होने वाला है और स्कॉर्पियो के इंटीरियर में काफी बदलाव हो गए जो कि पहले के मुकाबले प्रीमियम होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हो गए। अब दोस्तों इंजन और पावर की बात कर ली जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो में इंजन के मामले में दो विकल्प मौजूद है। इस एसयूवी में आपको पहला इंजन 2523 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है जो कि 75 bhp की पावर और 200 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को दोस्तों 5 स्पीड मैनुअली गियरबॉक्स से लैस किया गया है। इस एसयूवी के दूसरे इंजन की बात करें तो दोस्तों वो है 2179 सीसी का जिसमें आपको 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि 140 bhp की 320 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को दोस्तों 6 स्पीड मैनुअली गियरबॉक्स के लैस किया गया है। अब दोस्तों डायमेंशन की बात करी जाए तो स्कॉर्पियो की लंबाई 4456 mm है और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों 1820 mm है और ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 1995 mm है। लुक का वजन दोस्तों 2610 किलो है और व्हील बेस दोस्तों 2680 mm का है और इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन की कीमत 8 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए के बीच में रखी जाएगी क्योंकि इसमें दोस्तों दो वेरिएंट आएंगे भारतीय बाजार में। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि ये नई जनरेशन स्कॉर्पियो आप सभी को कैसी लगी और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।